पर्सन हु ज्वाइन सर लियर ही विल बी इन द बेटर पोजीशन टू बी कंटिन्यूड देयर बिकॉज एट टाइम्स सम पीपल स्टार्ट लीविंग इट देन द स्पेस इज क्रिएटेड एंड न्यू पर्सन ज्वाइंस तो हम लोग अब शुरू कर रहे हैं मैंने आपसे कहा था यू शुड हैव द बेयर एक्ट प्लस प्लीज रीड सेक्शन 2 इफ एनीबॉडी कैन रीड सेक्शन 2 आप अंग्रेजी मीडियम के हो और हिंदी मीडियम के एक एक छात्र में से मैं कहूंगा पहले इंग्लिश में पढ़ें व्हाट सेक्शन 2 सेज कोई पढ़ेगा सर सेक्शन 2 भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा अन्यथा नहीं सर सेक्शन 1 इसमें देखें कि शब्द व्यक्ति आया है इसकी इंग्लिश डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ सेक्शन 2 ऑफ इंडियन पेनल कोड क्लियरली प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट एवरी पर्सन वर्ड है इसको अंडरलाइन करिएगा शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. अब यहाँ पर देखिए तीन बातें हैं the person should be within India and he should be guilty within India. मतलब इंडियन लॉ के अंतर्गत उसने अपराध किया हो भारत के अंदर दूसरा है कि जो आईपीसी में दंड निर्धारित है वो दंड उसको दिया जाएगा और तीसरी बात जो है जो महत्वपूर्ण है जिसको हम लोग अभी ले रहे हैं वो है एवरी पर्सन नाउ द पर्सन वर्ड रिक्वायर्स क्लेरिफिकेशन और इसके लिए मैं कहूंगा कि धारा 11 आप पढ़े वर्ड पर्सन अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं आप हिंदी पढ़ दीजिएगा पर्सन इंक्लूड्स ए कंपनी और एसोसिएशन और ए बॉडी ऑफ पर्संस whether incorporated or not. यहाँ पर व्यक्ति शब्द को परिभाषित किया गया है कि इसमें कौन कौन देखिए परिभाषाएं जब आप लॉ में पढ़ेंगे पहली बार आपको मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग ने भी लॉ का अध्ययन शुरू किया है लॉ की परिभाषा बहुत से शब्दों की आपको मिलेगी वो कई प्रकार से लिखा जाती है डेफिनेशन एक होती है एक्सप्लेनेटरी जिसको हम कहते हैं कि वो एक्सप्लेन करती है दूसरी तरह की परिभाषा आपको मिलेगी जो इन्यूमरेटिव होगी वो केवल बताएगी ये इसके अंतर्गत आते हैं तीसरी इलस्ट्रेटिव होगी जिसमें उदाहरण रहेगा कि ये और ऐसे जो भी हो वो सब आते हैं अब आप जब परिभाषा पढ़े तो आपको तीनों बातों को ध्यान में रखना होगा कि वेदर दैट डेफिनेशन इज एक्सप्लेनिंग और नॉट अगर एक्सप्लेन नहीं कर रही है तो वो एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड नहीं कर रही है वो एक्सप्लेनेशन आप कहीं और से भी अगर मिलता है तो उस एक्सप्लेनेशन से आप उसको ले सकते हैं दूसरी बात कि अगर वो इंक्लूसिव है तो कुछ चीजों को बताएगी ये सब इसमें इंक्लूडेड है इंक्लूडेड माने कि बाकी एक्सक्लूडेड नहीं है ये तो इंक्लूडेड है ही है जो वास्तविकता में इसकी भाषा है वो रहेगी और चौथा जो है कि इलस्ट्रेटिव है कि ये और ऐसे भी आप अगर पढ़ेंगे आर्टिकल 12 संविधान का तो वहां पर स्टेट वर्ड को डिफाइन किया है और वहां एंड अदर्स वाली बात आई है तो उसको लेकर के आप लोग जब पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में उस पर चर्चा होगी तो हियर द डेफिनेशन इज पर्सन इंक्लूड्स ये बताती है कि पर्सन में जो आते हैं वो तो आते ही हैं इनके अलावा भी ये आएंगे कंपनी नाउ कंपनी हम आपको बताया था मैंने एक दिन उस दिन भी डिस्कशन कर रहे थे कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट इन इंडिया और जैसे ही वो भारतीय विधि के अंतर्गत रजिस्टर हो जाती है तो वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन हो जाती है ज्यूरिस्टिक पर्सन या लीगल पर्सन या विधिक व्यक्ति कहेंगे हम उसको वो सामान्य भाषा का व्यक्ति नहीं है वो नैसर्गिक व्यक्ति नहीं है इज नॉट ए नेचुरल पर्सन बट इट इज ए पर्सन विच इज Conferred the personality by law. तो इसमें आते हैं कंपनी इसमें आते हैं
सेक्शन आपने पढ़ा कंपनी, दूसरा है एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस। अब बॉडी ऑफ पर्संस माने ग्रुप, और वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। अब देखिए ये बड़ी स्पष्ट इन्होंने यहां पर बात को क्लेरिफाई कर दिया, ये एक्सप्लेनेटरी पार्ट हो गया। कंपनी एसोसिएशन जो भी है उनका निगमन होना जरूरी नहीं है, उनका इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी नहीं है। आप जानते हैं कि बहुत से एसोसिएशन हैं जिसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है तब वो एसोसिएशन लीगल पर्सन बनते हैं, लेकिन बहुत से एसोसिएशन ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते लोग और चला रहे हैं, जैसे एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कोई हम प्राइवेट संस्था चला रहे हैं, हमने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उस पर्सन को भी इसमें ले लिया है। वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, जो अभी मैंने कहा कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी एक्ट इनकॉर्पोरेटेड पर्सनालिटी होता है, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज ए पर्सन बिकॉज इट इज इनकॉर्पोरेटेड बाय अलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट, एक अधिनियम के द्वारा उसको हमने निगमित संस्था बना दिया। आपका पावर कॉर्पोरेशन है, टेलीफोन डिपार्टमेंट है, तमाम ऐसे LIC है, ये भी कॉर्पोरेशन लॉ के द्वारा, जितने भी लॉ के द्वारा एसोसिएशन बने हैं या जो एसोसिएशन लॉ में रजिस्टर हो गए वो सब लीगल पर्सन तो हुए ही, लेकिन इन्होंने इसको सीमित नहीं रखा है कि इवन इफ इट इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड और कॉर्पोरेटेड दे विल बी कॉल्ड आर्टिफिशियल और जुरिडिकल पर्सन। जुरिडिकल पर्सन माने विधिक व्यक्ति, जिसको न्याय की दृष्टि से व्यक्ति माना जाए, और न्याय की दृष्टि से हम व्यक्ति उस व्यक्ति को मानते हैं जो कोई अधिकार रखता है या अधिकार और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बाध्य है, और दूसरा कि उसके खिलाफ मुकदमा हो सकता है और वो किसी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। He has the right to sue और he can be sued, जिसके ऊपर मुकदमा हो सके। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं सेक्शन 211 का कि जो हमने उस दिन बताई थी परिभाषा अपराध की, उसमें एक तत्व था ह्यूमन बीइंग, अपराध ह्यूमन बीइंग द्वारा किया जाए। अब इस बात को हमारे IPC की इन दोनों धाराओं का जब आप कंपैरेटिव प्लस इंक्लूसिव अध्ययन करने के बाद हम जो निष्कर्ष निकालते हैं कि अब अपराधी कौन हो सकता है, ह्यूमन बीइंग तो होता ही है, ये कॉर्पोरेशंस, एसोसिएशंस, ज्यूरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब बाय फिक्शन ऑफ लॉ, हम सामंत कहता है बाय फिक्शन ऑफ लॉ हम इनको व्यक्ति मानते हैं। अब ये लॉ की बात है, देखिए लॉ अगर आप नहीं पढ़े हैं या लॉ नहीं जानते तो आप इसको कहेंगे कि ये क्या हो गया भाई, वो तो मनुष्य है ही नहीं, वो मानव है ही नहीं, वो ह्यूमन बीइंग है नहीं, कैसे उसको अपराधी हम दोषी करें, एक प्रश्न उस दिन एक लड़की ने किया भी था पिछले लेक्चर में। तो दिस इज क्लेरिफाइड, वी कन्फर द लीगल ज्यूरिडिकल पर्सनालिटी, और IPC में वो कन्फर्मेंट भी जरूरी नहीं है। इस बात को इसीलिए कहा गया इट वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो निगमित है या निगमित नहीं है। अब आपको बताएं कि जब प्रारंभ में क्रिमिनल लॉ का कंसेप्ट आया तो कॉर्पोरेशन की लाइबिलिटी नहीं मानी जाती थी, यानी कोई ह्यूमन बीइंग के अलावा किसी की लाइबिलिटी नहीं मानी जाती थी। उसके दो कारण कहे जाते थे कि कॉर्पोरेशन का कोई शारीरिक कॉर्पस नहीं होता, उसका कोई शरीर नहीं होता, इसलिए हम दंड उसको कैसे देंगे। हेलो, हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर, आ रही सर, आ रही है, आ रही। तो एक ग्राउंड ये था कि उसकी फिजिकल बॉडी नहीं होती इसलिए इसको हम सजा नहीं दे सकते, दूसरा ग्राउंड था कि उसके पास दिमाग नहीं होता, इट हैज नो माइंड, इसलिए हम उसको सजा नहीं दे सकते, और तीसरा था कि ये ज्यादा टेक्निकल बात थी जिसको अभी आप शायद न समझ सके, कि उसके द्वारा किए गए कामों को हम दंडित करेंगे तो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, इसलिए हम उनको दंड नहीं कर सकते। लेकिन कालांतर में आप देखेंगे कि वी हैव क्रिएटेड सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ आपको अपराध ऐसे मिलेंगे जो अपराध के करने के लिए व्यक्ति ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी नहीं। इसी तरह से
आप ऐसे भी देखेंगे कि दंड है, जिन दंड को हम एक विधिक व्यक्ति को दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मनुष्य ही हो। तो जब ये दो बातें आ गई तो ये नया कंसेप्ट अब कह दें आपकी आया है कि इवन ए कॉरपोरेशन, ए लीगल पर्सन हु इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग कैन आल्सो बी लायबल फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, जैसे चीटिंग का ऑफेंस है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस है और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस है। आगे हम लोग जब ये सब धाराएं आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन धाराओं में लायबिलिटी होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको शारीरिक दंड दिया जाए, आपको आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि आफ्टर ऑल वट एवर कॉरपोरेशंस आर डूइंग, जो भी काम कॉरपोरेशन कर रही, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कर रही है, अगर कोई निर्णय आप उससे पीड़ित हैं या वो अपराध आपकी नजर में है, तो आफ्टर ऑल वो कौन कर रहा है? द पर्सन्स हु आर रनिंग दिस यूनिवर्सिटी या कॉम्पिटेंट बॉडी, यूनिवर्सिटी की बॉडी कर रही है। इसलिए इस धारणा को लेते हुए हमने इसको ज्यादा व्यापक बना दिया। इसी दृष्टि से मैंने कहा था कि भैया आप लोग दो शब्दों को अंग्रेजी में अंतर करने का दिमाग में रखिए कि वी हैव नॉट यूज द वर्ड क्राइम, वी हैव यूज द वर्ड ऑफेंस। अब ऑफेंस में ये सारी बातें एलेबरेट हो गई, दायरा बढ़ गया ऑफेंस का, अपराध करने वालों का दायरा बढ़ गया, इसलिए हमने उसको क्राइम शब्द नहीं यूज किया, हमने ऑफेंस यूज किया। ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, मैं जो बता रहा हूँ इट इज ओनली एन एक्सप्लेनेशन विच कैन बी गिवन रिगार्डिंग द टर्म ऑफेंस। इन इंडियन लॉ कोई भी अपराध जो सृजित हुआ है उसको हमने ऑफेंस वर्ड कहा है, मैंने पहले भी कहा था क्राइम वर्ड नहीं कहा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमारी पारंपरिक परिभाषा से अंतर करती है, यानी क्राइम की परिभाषा की जगह हम ऑफेंस की परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो आईपीसी में वर्ड ऑफेंस की परिभाषा के दायरे में वो व्यक्ति भी आएगा जो मानव नहीं है, नैसर्गिक नहीं है, परंतु विधिक व्यक्ति है। एंड सिंस ही इज ए लीगल पर्सन, ही कैन बी पनिश्ड, ही कैन कमिट सर्टेन कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस। वो मर्डर नहीं कर सकता लेकिन चीटिंग कर सकता है, वो मर्डर नहीं कर सकता, आपके पैसे का दुरुपयोग कर सकता है, बैंक को आपने लोग पैसा दिया, बैंक के अकाउंट में रख दिया और बैंक ने गड़बड़ कर दिया आपके पैसे को, तो दे हैव कमिटेड मिसअप्रोप्रिएशन, माने उस सम पैसे का उपयोग कर लिया दूसरी जगह, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब कि हमने जो वादे से आपको दिया था वो वादे से आप पीछे हट गए। कल को बैंक कह दे साहब जिसका 1 लाख जमा है उसमें से हम 1,000 काट के देंगे, इट इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कॉन्ट्रैक्ट आता है, ट्रस्ट का ब्रीच तभी होगा जबकि आपकी संविदा में दायित्व बना हो उसका उल्लंघन हुआ। अब हम लोग दूसरा शब्द ले रहे हैं परिभाषा से जुड़ा, और वो शब्द है जिसका भी डिस्कशन होना चाहिए, और उसको आप पढ़ें धारा 44 खोलें, इंजरी वर्ड की परिभाषा। देखिए मैं सही सेक्शन बोल रहा हूं कि नहीं, इंजरी सेक्शन 44 को आप में से कोई पढ़ेगा? 44 की डेफिनेशन को कोई पढ़ेगा? यस सर, क्षति शब्द किसी प्रकार, अगर अंग्रेजी वाले हो तो अंग्रेजी की पढ़े, पहले हिंदी की चलिए पढ़िए। क्षति, क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का घोतक है जो किसी भी, जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हुई। ऐसा है आप पढ़ रहे हो, ये मैं आपको फिर से समझाना चाह रहा हूँ कि सेक्शन पढ़ा कैसे जाता है, थोड़ा सा स्लोली पढ़िए, फिर से पढ़िए। क्षति हेडिंग है, उसका पहला तत्व क्या है? क्षति शब्द किसी भी प्रकार की अपहानि का घोतक है। अब यही पे आइए, किसी भी प्रकार की अपहानि, अपहानि वर्ड है यहाँ पर, इसकी इंग्लिश में क्या शब्द है सेक्शन 44 में? एनी हार्म, एनी हार्म। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर कहना चाहूंगा कि हार्म शब्द ज्यादा व्यापक है इंजरी वर्ड से, या हार्म शब्द में किसी भी प्रकार का हार्म आ सकता है, इसलिए
यहाँ पर हमने शब्द यूज किया हार्म। हार्म शब्द को मैंने यूज किया, इसका मतलब है किसी भी प्रकार का नुकसान। वहां काहे की चाबी वहां रखी है बाहर। तो एवरी हार्म के बाद आगे चलिए, जो किसी भी व्यक्ति के शरीर मन ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से, शरीर मन ख्याति, शरीर मन ख्याति, ख्याति बॉडी माइंड रेपुटेशन, अंग्रेजी में तीन शब्द हैं, हिंदी में शरीर फिजिकल, इन कोई आपको क्षति पहुंचे शरीर, आगे दूसरा मन माइंड, आपके मानसिक क्षति भी पहुंचे तो भी अपराध बन सकता है, आईपीसी का इंजरी होगी, और तीसरा है ख्याति रेपुटेशन, ख्याति रेपुटेशन। अब यहां पर फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, रेपुटेशन और कैरेक्टर दो शब्द का आप बार बार लॉ में कहीं पर आएगा, कैरेक्टर कहीं पर आएगा, रेपुटेशन, और ये दोनों शब्द आपको एविडेंस में ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 50-55 रेलेवेंसी ऑफ कैरेक्टर छात्र साक्ष्य विधि में। अगर ज्यादा आप लोग इसको व्यापक से अध्ययन करना चाहें तो कोई जने एविडेंस की किताब में देखिएगा, धारा 50-55 में वर्ड कैरेक्टर आया है। कैरेक्टर और रेपुटेशन में अंतर है, मैं यहाँ पर बस शॉर्ट में समरी में आपको बता रहा हूं कि रेपुटेशन वो है आपकी जो दुनिया आपको समझती है, या ख्याति का मतलब है कि हमको दुनिया क्या समझती। अब समाज में हमको एक टीचर माना जाता है, और मैं अच्छा टीचर हूं कि बुरा टीचर हूं समाज में कोई भी धारणा बन सकती, दिस इज रेपुटेशन। कैरेक्टर क्या है, व्हाट आई रियली हैव, मेरा जो वास्तविक चरित्र है, हो सकता है वो कुछ और हो, और मेरा जो समाज में उसका एक व्यापक निरूपण हुआ हो वो रेपुटेशन है। संतोष है उसके लिए, संतोष ऊपर की चाबी ले गए। तो रेपुटेशन वर्ड यहां पर आया है, यहां पर कैरेक्टर नहीं आया। और रेपुटेशन आप जानते हैं कि मुंह की निकली बात कब कहां कहां पहुंचे और कितनी बुराई हो जाए, वास्तव में उस व्यक्ति के अंदर वो बात ही ना हो। मैं उदाहरण कुछ ऐसा वैसा नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत देखते हैं कि लोग कमेंट करते रहते हैं एक्स वाई दूसरे के खिलाफ, एक के खिलाफ, एंड दैट इज व्हाई सम टाइम्स इट कॉजेज इंजरी, सम टाइम्स इट इज कवर्ड अंडर द डिफेमेटरी स्टेटमेंट, सम टाइम्स इट इज ट्रीटेड एज सेडिशन, सेडिशन माने देशद्रोह। इसलिए तो रेपुटेशन जब ख्याति पर प्रभाव पड़ने वाली कोई बात है तो भी वो अपराध के दायरे में आ जाएगी, इंजरी चूंकि को होगी, तो इंजरी टू माइंड बॉडी रेपुटेशन। अब माइंड की इंजरी, मेंटल इंजरी, नर्वस आपको शॉक हो गया, अब कैसे मेंटल इंजरी हुई, आपने किसी लड़की से कहा मैं शादी करूंगा और नहीं किया, वो मानसिक रूप से विकृत हो गई, आपको कोई अपॉइंटमेंट मिल गया और फिर आपको ज्वाइन नहीं करने दिया गया, आपको भी मानसिक क्षति हो सकती है, आर्थिक के अलावा मानसिक भी हो सकती है। तो यहां पर देखिए तीनों शब्दों के बीच में क्या है, इंजरी और वर्ड लिखा है कि नहीं, इंजरी क्या है फिर से पढ़ो, डेफिनेशन पढ़िए फिर से। क्षति शब्द किसी भी प्रकार की अपहानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर मन ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से वर्ड आया है। देखिए यह आया है वर्ड, आइदर ऑफ दी टाइप ऑफ इंजरी विल कॉल्ड इंजरी, और लास्ट हमने जो छोड़ दिया था प्रॉपर्टी, संपत्ति में भी अगर इंजरी हो रही है तो संपत्ति की इंजरी भी आपके इस इंजरी की परिभाषा में आएगी, जैसे चोरी है, डकैती है, आपने आग लगा दी किसी के घर में, आपके किसी घर में सेन लगा दिया, आपने किसी के साथ मिस्चिफ किया, मिस्चिफ माने उसकी पैंट तोड़ दिया, मिस्चिफ माने छोटी सी होती है रिस्ट जिससे आदमी को अनायंस हो जाए, अरे आपने उसके कपड़े पे पानी डाल दिया, जा रहा था इंटरव्यू देने, दिस इज इंजरी टू प्रॉपर्टी, और इनको भी अलग अलग कैटेगरी में अपराध माना गया है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं वही सब चालू रखी थैली में। तो
इंजरी वर्ड हमने डिफाइन किया कि इस तरह से कोई भी प्रकार की इंजरी होगी तो वो इंजरी की परिभाषा में आएगी। आई थिंक दी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई 44 की। कोई बात बची है? बताएं आप। नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। क्या प्रश्न है सर? वन क्वेश्चन सर। सर हियर, सर हियर बाइंडिंग वर्ड सर आर, तो मतलब मेरा मतलब ये सर है कि प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन बोथ आर सेम आर डिफरेंट। अगर सर डिफरेंट है तो सर यहाँ पे ही क्यों रिपुटेशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, माइंड ऑफ प्रॉपर्टी क्यों नहीं हुआ, बॉडी ऑफ प्रॉपर्टी क्यों नहीं हुआ? आप फिर गलत पढ़ना, जरा अंग्रेजी वाला पढ़िए। किसी जने कोई जने अंग्रेजी की डेफिनेशन पढ़िए। सर मैं पढूं? That injury, the word injury denotes any harm whatever illegally caused to a, to any person in body, mind, reputation or property. ये और वर्ड सबके लिए है। इंजरी और किसमें, माइंड और बॉडी और रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि तीनों का एक साथ होना जरूरी है, चारों का। कोई भी एक प्रकार की इंजरी हो गई तो वो इंजरी मानी जाएगी। समझ में आ गया? आपका जो डाउट था, ये या शब्द आया है वो या सबके लिए है। हमको अगर मानसिक क्षति हुई तो भी इंजरी हुई, हमको शारीरिक क्षति हुई तो भी इंजरी हुई, हमको अगर प्रॉपर्टी की क्षति हुई तो भी इंजरी हुई, और हमारी अगर बदनामी किसी ने कर दी, रेपुटेशन खराब की, तो भी इंजरी। उन चारों दशाओं की इंजरीज को आगे आईपीसी में जहां भी शब्द इंजरी आएगा वो लिया जाएगा। आप देखेंगे आईपीसी में जब ऑफेंसेस हम लोग पढ़ेंगे, कहीं पर वर्ड हार्म आया है, इंजरी नहीं आया है। यस सर। तो जब हार्म आया है तो वो इंजरी के दायरे के बाहर की भी इंजरी उसमें कवर हो जाएंगे, हार्म जो होंगे नुकसान आ जाए। सर किसी भी रेपुटेशन सर उसका प्रॉपर्टी हो सकता है? अरे भाई, प्रॉपर्टी रखना एक रेपुटेशन है कि नहीं है? यस सर। और रेपुटेशन आपकी अलग वाइज अदरवाइज भी ख्याति। देखिए रेपुटेशन बहुत तरह से होती है। वही दुकान में आप बैठते हैं, आपकी दुकान की रेपुटेशन जो कही जाती है, जिसको गुडविल आप कहते हैं, ये भी तो रेपुटेशन है। हम कहें कि साहब उसके यहाँ नकली दवाई मिलती है या उसके यहाँ नकली मिठाई मिलती है, तो उसकी रेपुटेशन भी हार्म हो गई, उसकी गुडविल प्रभावित हो गई। तो रेपुटेशन किसी संपत्ति के लिए भी हो सकती है, किसी व्यक्ति की भी रेपुटेशन हो सकती है, किसी व्यक्ति के व्यवसाय की हो सकती है, किसी व्यक्ति के अभिव्यक्ति की हो सकती है। अब आप उनका सुनते हैं, कुमार विश्वास का जो कविताएं सुनते हैं, उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है कि he writes very nicely, he speaks very nicely, he pronounces very nicely. अब अगर उसको कोई उसके कविता का क्रिटिसिज्म करता है, देखिए दो चीजें समझिएगा, फेयर कमेंट। अभी ये जब आर्टिकल 19 आप पढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच के कुछ अपवाद हैं, और उसमें आपकी स्पीच पर फेयर कमेंट करना, फेयर कमेंट सोचिए, दोनों शब्द कितने ही कानूनी शब्द हैं। फेयर जिसको हम कहें कि ये निष्पक्ष भाव से किया गया हो, और कमेंट हम उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। हम जब कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का डिस्कशन करते हैं, और अक्सर हम कहते हैं साहब ये व्यू कोर्ट का हम एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक नहीं है, दो बातें होंगी, हमने क्या कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया तो कंटेम्प्ट हो जाएगा, और अगर हमने फेयर कमेंट किया, भाई हम एकेडमिशियन हैं, हम लॉ वाले हैं, हम तो इस लॉ को भी कहेंगे कि यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ कमी है, हम एकेडमिक इंटरेस्ट से बात कर रहे हैं, फेयर कमेंट है, तो फेयर कमेंट इज नॉट हार्मिंग द अमाउंट्स टू डिफेमेशन। इसलिए डिफेमेशन जो धारा 503 में आप बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर आपके लास्ट में है, वहां पर जब डिफेमेशन की परिभाषा आप देखेंगे तो वहां भी बहुत से कथनों को छोड़ा गया है कि डिफेमेशन नहीं माना जाए। लेकिन एक बात बता दें आपको कि सामान्य भाषा में गांधी जी के तीन बंदर का सिद्धांत बड़ा लागू होता है कि बुरा बोलिए मत। ऐसा कुछ आप बोल गए जिससे किसी की ख्याति पर प्रभाव पड़ गया, वो अपराध की श्रेणी में भी आपको डिफेमेशन में भी ले जा सकता है। तो इट इज बेटर नॉट टू स्पीक, स्पीक विद माइंड, सोच समझ कर बोलो। इसीलिए बंदर एक कहता है मुंह बंद रखो, क्योंकि बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, तो बुरा मत बोलो। आपने अक्सर पढ़ा हुआ है कि श्लोक
हिंदी वाले छात्र ज्यादा जानते हो, सत्यम प्रिया न प्रिय सत्यम अप्रियम, जब बोलिए सत्य बोलिए, अब लेकिन अप्रिय सत्य भी मत बोलिए जिससे किसी की ख्याति को ठेस पहुंचे। अब ये बात अलग है कि वी आर क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज करना एक अलग बात है, ये हमारा अधिकार है कि किसी भी कानून को, किसी भी जजमेंट को, किसी भी कार्य प्रणाली को, किसी भी नीति को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में हो क्या रहा है, अब देखिए इसको अपने दृष्टि से देखना, आप लोग मानसिक, आप लोग सब अब परिपक्व विधि के छात्र हैं, आप देखिए कुछ कमेंट हो रहा है लॉ के ऊपर कि भाई लॉ में ये दोषी है, ये कमी है, ये कमी है, कुछ कमेंट हो रहा है कि जिसको हम कहेंगे कि रेपुटेशन पर प्रभाव हो रहा है, और उसका चरम रूप आपने देखा 26 जनवरी को जिसको हम देशद्रोह के दायरे में पाते ला रहे हैं, भड़का देना। ये रेपुटेशन सरकार की भी होती है, रेपुटेशन पॉलिटिकल पार्टी की भी होती है, रेपुटेशन व्यक्ति की भी होती है। बहरहाल उस विषय पे ज्यादा जाएंगे तो हमारा टॉपिक समय खत्म हो जाएगा। तो इंजरी की बात ये आई, अब आइए इंजरी कॉज करने में एक शब्द और रिलेवेंट आता है कि इंजरी हम कब कहेंगे कि जानबूझकर की गई या जानबूझकर नहीं की गई। इसलिए तीसरा शब्द जो एलिमेंट है अपराध का वो है मानसिक दशा, जिसको हम कहते हैं आशय, व्हाट इज इंटेंशन। कृपा करके इसको नोट करिएगा, इंटेंशन शब्द क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, आशय की मीनिंग क्या है। इंटेंट देखिए बहुत अच्छे से सोच लीजिए, सुनिए ध्यान से। इंटेंशन जब हम लॉ में बात करते हैं इंटेंशन का, तो कार्य करते समय आप अपनी मानसिक स्थिति के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, वो इंटेंशन होता है। कार्य करने के पीछे क्या कारण है, कार्य करने के पहले आपने क्या सोचा था, इस सब से मतलब नहीं है। आईपीसी में वी आर कंसर्न्ड विद द इंटेंशन एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग योर इंटेंशन इनटू फिजिकल रिजल्ट। अपने मन की आशय को, मन की बात को जब आप फिजिकल रूप देंगे, भौतिक रूप में उसको परिणित करेंगे, देन आपके मनोदशा क्या थी, वो वर्ड इंटेंशन है आईपीसी। प्लीज प्लीज बी कॉशस। हम दुकान पर गए दवा लेने, घर पर बहुत सीरियस कोई बीमार है, और वहां दवा लेते समय उसने कहा कि साहब ये 500 की दवा हुई, मेरे पास 300 है। उसने कहा बिना 500 की दवा नहीं देंगे। आपको लगा कि ये दवा नहीं देगा, मैं जाऊंगा व्यवस्था करूंगा पैसा, तब तक तो हमारे घर का पेशेंट मर जाएगा। आप वहां से दवा लेके भाग लिए, पूरी 300 रुपया फेंका, पूरा ले गए, 200 देखेंगे बाद में देंगे। आपने क्या किया, आपका इंटेंशन है कि नहीं अपराध करने का। द मोमेंट यू टुक अवे द मेडिसिन विदाउट पेइंग, विदाउट सेटिस्फाइंग दैट पर्सन, विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। वाई, क्योंकि अल्टीमेट इंटेंशन उस समय जब आप संपत्ति को ले रहे हैं पैसा बिना दिए, उसकी सहमति के बगैर, उस समय का आशय क्या है, संपत्ति प्राप्त करना बिना पैसे। अब इसके पीछे भावना बहुत अच्छी है, मैं लोगों को जिंदा, कोई हालत खराब है उसको बचा रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। हम इसलिए कहते हैं कि अंग्रेजी में दो शब्द हैं, मोटिव एंड इंटेंशन। अब मोटिव वर्ड के भी मतलब है कि आपने उसके पीछे क्या धारणा थी। एक सेकंड मैडम, देखिए मैं क्लास ले रहा हूं अभी थोड़ी देर बाद, कोई अर्जेंसी तो नहीं है। तो मोटिव और इंटेंशन दो शब्द ध्यान रखिएगा। आप जब एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे, फिर मैं एविडेंस की बात कर रहा हूं, साक्ष्य विधि की, वहां दोनों शब्द हैं, मोटिव वर्ड भी है। ऐसा नहीं है कि अपराध के निर्धारण में मोटिव महत्व करता है, परंतु मैं कह रहा हूं कि आपका कार्य सा आशय किया गया, इसके मतलब कि जिस समय आपने जो कार्य किया उस समय आपका आशय क्या था। अब जैसे
आप स्कूटर चला रहे हैं और आपकी स्कूटर डिसबैलेंस हो गई, टायर पंचर हो गया, किसी को क्षति लग गई, आपका इंटेंशन क्या था? क्या गलत इंटेंशन था? नहीं, हमारा इंटेंशन गाड़ी चलाना था, और जो ये पंचर हो गया, गाड़ी डिस्टर्ब हो गई, किसी को लग गई, यहां पर मेरा इंजरी कॉज करने का इंटेंशन नहीं था। अब ये देखिए कि पुराने लॉज में, पुराने समय में हम इस आशय को तत्व नहीं मानते थे। बहुत पुराना जो कानून है उसमें आप देखेंगे, अगर हमारे खेत में आपकी गाय आगे चर गई, भले वो अपना रस्सी तोड़ा के आ गई हो, खूंटा उखाड़ के आ गई हो, आप क्या कर सकते हैं? लेकिन क्षति हो गई, लेकिन आपका आशय क्या है? क्षति करने का नहीं है। आईपीसी में आप देखेंगे कि ये इंटेंशन वर्ड पर जोर दिया गया, और कृपा करके इंटेंशन और मोटिव का अंतर समझे रहिएगा, क्योंकि तो अक्सर लड़के कहते हैं, लोग कहते हैं, साहब हमारा तो मैंने इसलिए थोड़ी किया, मेरा उद्देश्य था, दैट वॉज योर मोटिव, बट बाई दैट मोटिव एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट यू हैव एक्सरसाइज्ड एन इंटेंशन विच इज मेकिंग यू गिल्टी। तो इंटेंशन और मोटिव अलग है। तो आशय शब्द का अर्थ देखिएगा, और इसमें भी दो तरह का आशय शब्द आगे चल के अगर आप इसको विकिपीडिया पर देखेंगे इंटेंशन वर्ड की डेफिनेशन, तो वहां पर आपको मिलेगा जनरल इंटेंट, स्पेसिफिक इंटेंट, जनरल सामान्य आशय, ये सामान्य आशय धारा 34 वाला नहीं, जनरल इंटेंशन एंड स्पेसिफिक इंटेंट, ये अंतर फिर हम लोग देखेंगे बाद में जब कभी इसका रेफरेंस आएगा। बट द थर्ड एलिमेंट ऑफ क्राइम इज इंटेंशन, और हम इस इंटेंशन को बुरा कब कहते हैं? जब वो कानून के द्वारा वो उस आशय से कार्य करना निषिद्ध और दंडनीय हो, इसको हम कहते हैं मेंस रिया, MENSREA, मेंस रिया, इसकी हिंदी है दुराशय। दुराशय तब है जब विधि द्वारा उस आशय से काम को करने को निषिद्ध और दंडनीय कहा गया हो। अब समझ लीजिए कि मेंस रिया है, रिया वर्ड मींस वायलेशन ऑफ लॉ, मेंस मींस इंटेंशन, बट रिया मींस विद गिल्टी इंटेंशन। गिल्टी क्या है? गिल्ट एस्टेब्लिश करेगा लॉ, लॉ के हिसाब से अगर उसको कहा गया है कि ये आशय दुराशय की श्रेणी में है तो उसको गिल्टी इंटेंशन कहा जाएगा। अब ये हम लोग मेंस रिया पर ज्यादा डिटेल में बात करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि मेंस रिया एक आपका अलग क्वेश्चन भी आता है, तो वहां हम लोग देखेंगे इसकी दो मैक्सिम्स हैं। सामान्यतः लॉ ये मानता है, आपराधिक विधि ये मानती है कि कोई भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उस कार्य को उसने साशय न किया हो। साशय माने विद इंटेंशन। आकस्मिक हो गया, आप चले आ रहे हैं सड़क पर, आपने एकदम से अपनी चद्दर उड़ाई और उस चद्दर से किसी का नुकसान हो गया, किसी की आंख में लग गई, भैंस जब रास्ते में चलती है वहां से निकल करके आपके पोखरों से शाम को, और पूंछ जब घुमाती है तो जाने किसको किसको क्या क्या नुकसान हो जाता है। तो मेंसरिया इज ए स्टेट ऑफ माइंड फॉर विच यू कैन बी हेल्ड गिल्टी। इट इज द इंटेंशन एट द लास्ट मोमेंट, योर मेंटल कंडीशन एट द लास्ट मोमेंट व्हेन यू आर कन्वर्टिंग योर इंटेंशन इनटू फिजिकल रिजल्ट। हमारे को उस आशय से मतलब है कि जिस समय मेरे हाथ से ये काम हुआ उस समय मेरा आशय क्या था, इसके पीछे के आशय पे हमें नहीं जाना। अब ये हम आप बता दें कि जब आप कोई कार्य करते हैं, मनुष्य हैं, तो किसी कार्य करने के पहले आपके मानसिक गणित होती है, इसको हम कहते हैं मेंटल अरिथमेटिक। मेंटल अरिथमेटिक होने के बाद ही आप कोई काम करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। आज आपने क्लास अटेंड किया हमारा, क्लास अटेंड करने के पहले आपने मन बनाया कि सर ने सूचना दी है, मेंटल सेटअप आपका हुआ, और अरिथमेटिक हुई कि नहीं सर आज तो मुझे क्लास अटेंड करना है। हो सकता है आपको कोई और काम रहा हो, आप उस काम पर नहीं गए, ये सारी मेंटल अरिथमेटिक चल रही है। तो जब भी कोई कार्य हम करते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया चलती है,
उस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं, हम तैयार होते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, हम उस कार्य की ओर अग्रसर होते हैं, और उस कार्य को जब हम अंतिम रूप दे रहे होते हैं तो उस समय हमारा आशय वो आला आशय है जिसके लिए हम उत्तरदायी हो सकते हैं। इट मे बी गिल्टी, इट मे नॉट बी गिल्टी। ठीक है, तो इंटेंशन वर्ड को हम लोग और व्यापक लेंगे। इंटेंशन अपराध का एक आवश्यक तत्व माना जाने लगा सिविलाइज समाज में। फाउलर वर्सेस पेजेट का केस आप देखेंगे किताबों में, जिसमें पहली बार कोर्ट ने कहा है, इंग्लैंड की कोर्ट ने, कॉमन लॉ कोर्ट ने, कि एक्ट एंड इंटेंशन बोथ शुड कनकर फॉर क्राइम। अपराध के लिए एक्ट और इंटेंशन दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। हमने जो सोचा वही किया तो हम लायबल हैं, और हमने जो किया उसके लिए सोचा नहीं, हमको किसी और की वजह से हो गया वो कार्य, तो मैं लायबल नहीं। आप लाइन में लग जाते हैं, किसी ने धक्का दे दिया, आपका धक्का दूसरे को लगा, दूसरे का तीसरे को लगा, और चौथा जो बेचारा गिरा उसकी हड्डी टूट गई। आपने अगर धक्का दिया स्वयं इंटेंशन से, जिसने भी पहला धक्का दिया हो वो गिल्टी होगा, बाकी सब लोग गिल्टी कैसे होंगे? सर वो केस लॉ कौन सा था सर? फाउलर वर्सेस पेजेट, FOWLER, फाउलर वर्सेस PADGET, पेजेट। तो अब हम मानवीय हो गए और सिविलाइज की तरफ बढ़े, तो हमने मेंसरिया को आवश्यकता तो माना। अब आप देखें कि कालांतर में हमारे आईपीसी में मेंसरिया को अगर आप देखें तो विभिन्न शब्दों से डिनोट किया गया है अपराधों में, fraudulently, ये तमाम शब्द हैं जिनकी परिभाषा भी आपको एक्ट में शुरू में दी है, dishonestly, fraudulently, dishonestly, और इस सब के लिए हमको दोषी या मेरा इंटेंशन गिल्टी तब माना जाएगा जब हमने उस एक्ट को करते समय गुड फेथ में किया हो। अब गुड फेथ धारा 52 आइए, धारा 52 आप देखेंगे, पढ़िए आप लोग 52, कि गुड फेथ में तीन शब्द हैं। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ व्हिच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अब देखिए ड्यू केयर एंड अटेंशन का रेस्ट्रिक्शन है, अगर आपने ड्यू केयर और अटेंशन नहीं किया तो आपका कार्य के आप उत्तरदायी हो जाएंगे, गुड फेथ का लाभ नहीं मिलेगा। हमको कार्य सद्भावना पूर्वक करना चाहिए। अब जब हम कार चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तो हमको सावधानी जो है अपेक्षित वो पूरी करनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि मैंने कार्य गुड फेथ में किया, विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। अभी जो मैं उदाहरण ले रहा था कि बाइक का टायर फट गया या कार का टायर फट गया, गाड़ी डिरेल हो गई और किसी को चोट लग गई, यहां पर हम गुड फेथ में कब काम कर रहे हैं? जब हम गाड़ी चलाने के पहले या गाड़ी के चलाने से संबंधित दोषों का निवारण करके हम निकल रहे हैं। इट इज ए पीरियोडिक चेकअप विच यू रिक्वायर। हम जब गाड़ी लेके कभी कानपुर लखनऊ बाहर जाते हैं तो हम उसकी एक बार चेकिंग करा लेते हैं, भैया देख लो सारे पहिया के नट सही है कि नहीं है, टायर में हवा सही है कि नहीं है। दिस इज गुड फेथ, वी आर टेकिंग ऑल केयर विच इज रिक्वायर्ड एंड अटेंशन। अब यहां पर अटेंशन माने साउथ अटेंशन, आप बिल्कुल लापरवाही नहीं, पूरी पूरा ध्यान दे करके आप गाड़ी चलाएंगे, और आप लोग तो लापरवाही से चलाते ही है, बुरा मत मानिएगा, सभी लोग कान में ईयरफोन लगाए हुए हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, ये ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं हुआ। और इसी गुड फेथ में हम आपको दो केसेस का नाम दे रहे हैं, इसको आप पढ़िएगा, अगले टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है सुकुरू कबीराज, सुकुरू कबीराज, SUKRO सुकुरू कबीराज, KABIRAJ। एक ये केस है, और दूसरा केस और है, नाम आपको याद हो जाएगा, बबूलन हिजरा, बबूलन हिजरा, BABLOONHIJRA।
आर ए हिजरा। ये दो मामलों को हम जरूर गुड फेथ का जब भी सवाल कहीं छोटा मोटा आपको लिखना पड़े शॉर्ट नोट में कहीं पर, ये दोनों केसेस से सिद्धांत ले डाउन हुए हैं, देखना पड़ेगा। बाबूदन हिजरा के केस में हिंजड़ों ने एक व्यक्ति को हिंजड़े में कन्वर्ट किया और उसका जो ऑपरेशन था ड्यू केयर अटेंशन से नहीं किया। ड्यू केयर अटेंशन माने उस कार्य को करने की जो सावधानी बरतने की नियम है उसका आपने अनुपालन नहीं किया। देखिए ऑपरेशन कौन कर सकता है? डॉक्टर। वो डॉक्टर उसके पास डिग्री है, उसको करने का सब एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक्सपीरियंस है। लेकिन एक नॉन डॉक्टर भी अगर ऑपरेशन करता है, एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर, तो किस प्रिकॉशन लेगा? उसको स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करना होगा और उसको प्रॉपर केयर करना पड़ेगा। आजकल तो कोई भी ऑपरेशन के पहले सो मेनी टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आपको करा करके ही ऑपरेशन डॉक्टर करता है। दिस इज ड्यू केयर एंड अटेंशन। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, हम आपको एक शब्द दे रहे हैं, इसको समझिएगा। स्टेट ऑफ आर्ट, स्टेट ऑफ आर्ट, आज की नॉलेज के आधार पर जो प्रणाली है वो स्टेट ऑफ आर्ट है। अब आप समझिए, वैक्सीन आ गई कोरोना की, अब इस कोरोना की वैक्सीन की तमाम जांच, तमाम टेस्टिंग, तमाम सब चीजें हो चुकी, ये ड्यू केयर एंड अटेंशन वाला काम था। फिर जिसको लगाई जा रही है उसकी लगाने के साइड इफेक्ट जो है उस व्यक्ति के शरीर के हिसाब से देख के डॉक्टर को लगानी होगी, और अगर उसके लिए उपयुक्त तो नहीं है तो नहीं लगानी होगी। नाउ दिस इज ड्यू केयर एंड अटेंशन एंड दिस इज द स्टेट ऑफ आर्ट। आज स्टेट ऑफ आर्ट क्या है कि ये कोविड वैक्सीन, जो भी कोवैक्सीन लग रही है, ये सेफ है। उस दिन मोदी जी भी किसी का एक्सपेरिमेंट सुना रहे थे, टीवी पर बोल रहे थे डॉक्टर को लग रही है, और ऐसा नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। यू नो द साइड इफेक्ट, तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट। आप उसकी सावधानी रखते, 8 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जिसको वैक्सीन लगेगी उतने देर वेट करना पड़ेगा कि उसको कोई नुकसान ना हो जाए, और अगर कुछ है तो उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। दिस इज स्टेट ऑफ आर्ट। कल को हो सकता है कि नया थ्योरी आ जाए और कहा जाए कि ये वैक्सीन हानिकारक है, तो जितने लोगों को लगा दिया और जिसने लगा दिया वो सब दोषी नहीं होंगे, क्योंकि आज की स्टेट ऑफ आर्ट में इट इज वैलिड। कल के स्टेट ऑफ आर्ट में हो सकता है कि वो वैक्सीन फेल हो जाए तो नहीं लगेगी। तो स्टेट ऑफ आर्ट ये है। तो एवरीबॉडी इज पजेस्ड टू नो द मिनिमम स्किल, उसकी दक्षता। हर व्यक्ति अपने कार्य को करने की रखता है। मैं क्लास ले रहा हूं इस समय और मुझे क्लास में उतना ही बोलना चाहिए जितना कि सही हो। ये ड्यू केयर एंड अटेंशन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सेक्शन 11 आपसे पढ़वा रहा हूँ, सेक्शन 2 और 44 आपसे पढ़वा रहा हूँ, और गुड फेथ सेक्शन 52 भी हम आपको पढ़वा रहे हैं। इट इज आवर ड्यूटी। अब यहाँ पर देखिए, हमारी ड्यूटी है कि हम उन नियमों का, स्टेट ऑफ आर्ट के नियमों के हिसाब से चले। पैरासिटामॉल बड़ी कॉमन दवा है, क्रोसिन आप लोग जरा सा बुखार हुआ कोई खा लेता है, लेकिन अगर कल को आ जाए कि इस दवा के साइड इफेक्ट है और ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, तो दवा अगर आप देते हैं या डॉक्टर देता है तो वो स्टेट ऑफ आर्ट फॉलो नहीं कर रहे। तो ये गुड फेथ से हमारे इंटेंशन के मुद्दे पर हमको मदद मिलती है। और फिर जो एक एलिमेंट आपका बचा, इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड पनिशेबल बाय लॉ। प्राइवेटेड बाय लॉ माने कोई भी कानून में उस कार्य को मना किया गया हो और दंड नहीं किया गया हो। कार्य एक्ट। अब आइए एक्ट और ओमिशन की परिभाषा जरा आप देखिए। मोस्ट प्रोबेबली वन क्वेश्चन सर। एक्टस रियस पे आइए, फिर अभी बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन एक्टस रियस पे आइए। एक्ट की डेफिनेशन धारा देखिए किस सेक्शन में, सेक्शन 33 में है क्या? देखिए 33 पढ़िए एक्ट की परिभाषा। द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज
बताइए, इस एक्ट की परिभाषा से एक्ट के बारे में जानकारी नहीं मिल रही, ये एक्सप्लेनेटरी परिभाषा नहीं, इसमें केवल इंक्लूसिव परिभाषा दी कि एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट भी आएंगे और ओमिशन में सीरीज ऑफ ओमिशन भी आएंगे और एक्ट वर्ड में ओमिशन भी आएंगे। तो हम जब कहते हैं कि अपराध होने के लिए एक्टस रियस भी होना चाहिए, मानी ऐसा कृत्य, ऐसा एक्ट, ऐसा फिजिकल कार्य जो प्रतिबंधित हो और दंडनीय हो, तब रियस वर्ड आएगा। अंग्रेजी में वर्ड है एक्टस रियस, रियस मतलब रिया मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ, पनिशेबल बाय लॉ। तो कोई भी कार्य या कार्य लोप, अब देखिए किसी को आप अपराध करने के लिए कार्य से ही नहीं करते, ओमिशन करके कार्य का लोप करके भी आप अपराध कर सकते हैं, ये एस्पेक्ट आप लोग ने नहीं अभी तक सोचा होगा। हमारी ड्यूटी है किसी को खाना देना, हम उसको खाना नहीं देते 5 दिन तक, आई एम ओमिटिंग टू डू दैट, और मैं चाहता क्या हूं इंटेंशन की वो मर जाए, तो इंटेंशन हो गया डिसऑनेस्ट और एक्ट हो गया एक्टस रियस, क्योंकि एक्ट में ओमिशन भी आता है। एक्ट में आप काम करें तो भी अपराध कर सकते हो, बिना काम किए भी आप अपराध कर सकते हैं, जहां पर काम करना जरूरी है, जहां पर अब जैसे आप हेलमेट लगा करके चलते हैं तो यू आर डूइंग एन एक्ट अकॉर्डिंग टू द, अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो ओमिट टू डू दैट एक्ट, आप एक्ट का ओमिशन कर रहे हैं, और हेलमेट ना लगाना ओमिशन है और वो भी आपको अपराधी बना देता है। तो यहां पर देखिए एक्ट शब्द क्या है, इसलिए मैंने जब इंटेंशन की परिभाषा बताई तो आपको बताया कि किसी भी आशय से आशय को फिजिकल रिजल्ट में, भौतिक परिणाम में परिणित करना एक्ट है। मन की दशा इंटेंशन है और भौतिक परिणाम फिजिकल रिजल्ट की ओर अग्रसर करना, दैट इज एक्ट। व्हाट इज एक्ट? यू आर कन्वर्टिंग योर इंटेंशन इनटू फिजिकल रिजल्ट, फिजिकल रिजल्ट ही आपका एक्ट। अब एक एक्ट की हिंदी तो कार्य होगी या कार्य लोप होगी, आप कार्य कैसे करते हैं? आप कार्य करते हैं फिजिकली, फिजिकल में। अब यहां पर आपका सवाल एक और आएगा कि हम हाथ से काम करें, बॉडी से काम करें, कैसे काम करें? समटाइम्स यू मीट बाय वर्ड्स आल्सो। एक व्यक्ति मर रहा है और आप उसके कान में जाकर कहते हैं बस तुम अब मरने वाले हो, और डॉक्टर ने कहा भैया वो उसका हार्ट बहुत कमजोर है, उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मत दीजिए, जो आपने दिया वो मर गया। नाउ यू हैव डन एन एक्ट बाय स्पीकिंग आल्सो। एक्ट के समय भी गुड फेथ चाहिए, इंटेंशन के लिए भी गुड फेथ चाहिए। इसलिए हमने बहुत अच्छी परिभाषा 52 में दी है कि विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। ड्यू वर्ड मतलब देखिए, ड्यू शब्द बहुत जगह आपको यूज होगा। ड्यू मींस एज पर प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, ड्यू माने जो करने का आपका दायित्व है और जो करने का आपको तरीका है निर्धारित है, दैट इज ड्यू। हम कहते हैं ना, देखिए अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं मोनिका सिंह, कृपा करके आप क्या करेंगे ज्वाइन करके, क्लास तो ओवर हो रहा है। तो देखिए एक्ट वर्ड, अब इसमें इन्होंने एक्सप्लेन क्या कर दिया कि एक्ट में अकेले एक एक्ट से परिणाम नहीं हो सकता, हो सकता है कई बार आप एक्ट करें या कई एक्ट का रिजल्ट परिणाम हो। अब आपने एक घर से चल के दूसरे घर पर जाकर के काम किया, रास्ते भर आप उसको पीटते रहे, तो आपके सीरीज ऑफ एक्ट हो गए, इसका परिणाम हुआ कि वो जो पहुंचा आप दूसरे घर तो वहां मर गया। तो सीरीज ऑफ एक्ट या सीरीज ऑफ ओमिशन, कि आप रोज उसको खाना नहीं देते या रोज आप उसको जो ड्यूटी है उसका पालन नहीं करते, नतीजतन क्या हुआ कि वो कार्य हो गया बिना किए हुए, ओमिशन से वो एक रिजल्ट आ गया फिजिकल, और जिसके लिए आप उत्तरदायी हो। तो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन ये किया कि हम कहां कहां पर ट्रेडिशनल क्राइम की परिभाषा से डेविएट किए हैं, कहां कहां पर हम अपनी जो ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट है उससे हटे हैं, और हर में हम हट सकते हैं। तो ऐसा ऑफेंस बन सकता है
जो क्राइम की दायरे में ना आए, उसको हम टेक्निकली क्राइम नहीं कहेंगे। देयर कैन बी ह्यूमन बीइंग एस्पेक्ट, देयर कैन बी इंजरी एस्पेक्ट, क्योंकि अब तो आ गया कि इंजरी होना भी जरूरी नहीं है अपराध के लिए। कुछ ऐसे अपराध है जहां इंजरी जरूरी नहीं है, तो इंजरी का एलिमेंट मिसिंग होगा। तीसरा जो हमने कहा कि आपका इंटेंशन मिसिंग होगा, अब इंटेंशन मिसिंग होगा तो भी कुछ अपराध बन गए जिसमें इंटेंशन होना जरूरी नहीं है। आपको नहीं भी मालूम हो, आपसे जो काम हो गया आप उसके लिए दोषी हो। ये एक नया लॉ, हम कहते हैं इसको कठोर दायित्व का सिद्धांत डेवलप हुआ, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। आईपीसी में स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का नाम की चीज नहीं थी लगभग, लेकिन अब कुछ अपराधों में हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बना दिया। सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, तीनों में संशोधन करके, आपको याद होगा निर्भया कांड से तो आप सभी लोग, आप लोग की उम्र में आप लोग परिचित होंगे। इसके पूर्व एक और कांड हुआ था मथुरा रेप केस, वहीं से संशोधन आया कि इंटेंशन हर अपराध में होना जरूरी नहीं है। एडल्ट्रेशन लॉ में इंटेंशन होना जरूरी नहीं है, इसलिए ये इंजरी वाला एस्पेक्ट भी गायब हो गया। हो सकता है एक्ट में भी एक्ट हुआ हो ना हुआ हो, ओमिशन से भी हो सकता है। और अब तो ये है कि एक्ट करने की ओर मेंटल अरिथमेटिक के बाद प्रिपरेशन करके आप अग्रसर हुए हैं और रिजल्ट नहीं आया, आपने गोली चला दी किसी को लगी नहीं, तो भी आप लाइबल हो जाएंगे। ये अटेम्प्ट हो जाएगा, ये अलग 511 हम लोग पढ़ा, बताइए क्रॉस ओवर हो गया नाउ सी ज्वाइनिंग अकाउंट से। तो ये 12 बज गया भाई, 1 बज गया है, 1 घंटे का मेरा क्लास रहना चाहिए, 1 बजे से हो सकता है आपका दूसरा क्लास हो। वी आर क्लोजिंग नाउ, कल अगर हम लोग मिलते हैं तो हम लोग मेंसरिया पर करेंगे। और मेरा आप लोगों से, मैंने एक आपके मित्र से अनुरोध किया था, आप लोगों में से किसी ने अगर संभव हो रिकॉर्डिंग की हो इस लेक्चर की तो हमको भेज दें, तो और कोई लड़का अगर कहता है मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। सर हो गई है रिकॉर्डिंग, आई विल सेंड इट टू यू। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। आप अपना ही भला नहीं कर रहे हैं, दूसरे का भला कर रहे हैं और हमारा भी भला कर। हेलो सर, आपके प्रोविजन में सर एक फ्रेज यूज होता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज, ये आपने कल लिख के भेजा था, मैं इसको अभी इसलिए नहीं लिया था कि अभी भी हम लोग ने उस प्रकरण पे नहीं गए, लेकिन मोटे तौर पर ये समझ लीजिए नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग माने अन्य कोई बातों को ध्यान में न रखते हुए। हो सकता है कि कहीं लॉ में कुछ और लिखा हो उसको हम नहीं देखेंगे, हो सकता है आगे इसी लॉ में कुछ और लिखा हो हम उसको नहीं देखेंगे। जहां नॉट विथ स्टैंडिंग मींस कि विदाउट एनी अदर इफ एंड बट, दिस विल अप्लाई, ये लॉ अप्लाई करेंगे। सर एक क्वेश्चन, सर आपका 1 बजे से क्लास है कि नहीं दूसरा? नहीं है सर। पूछिए पूछिए क्वेश्चन, पूछिए क्या सर? एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन सर, सेक्शन 52 आईपीसी। बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बोलिए सर, कह रहे हैं कि सर अटेंशन जस्ट इन केयर, तो देन व्हाई सेपरेटली यूज हियर आर्टिकल 52 सर, केयर एंड अटेंशन। सर जो सर टॉपिक से मतलब बात है सर कि जो आदमी अगर केयरलेस है, केयरनेस है, तो अटेंटिव भी तो होगा ही वो, तो देन सर यह हियर सर सेपरेटली यूज हियर होगा। केयरलेस है तो अटेंटिव कैसे होगा? लापरवाह व्यक्ति कैसे सावधानी बरते हुए, लापरवाही करने में सावधानी बरत रहा है? नो सर, सर अगर जो सर केयरनेस है, जो सावधानी बरत रहा है, तो सर अटेंटिव भी तो चाहिए ना सर, वो तो अटेंटिव भी रहेगा। क्यों? सावधानी जो बरत रहा है वो अटेंशन में रहेगा, ड्यू केयर एंड अटेंशन है ना सर। हम ड्यू की बात नहीं कर, हम खाली सर कर रहे हैं कि केयर एंड अटेंशन में सर डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंस क्या है सर केयर और अटेंशन में? जबकि सर केयर में सर मतलब अटेंशन जो है सर वो केयर में ऑलरेडी एग्जिस्ट ही करता है कि जो आदमी केयर में, ये आपका मानना है ना, ये आपका मानना है, लेकिन तो सबका मानना नहीं हो सकता, इसलिए दोनों शब्द लिख दी कि यू शुड बी ड्यू केयर एंड ड्यू अटेंशन, दोनों होना चाहिए। यस सर, तो सर केयर ले लें और अटेंशन न लें। केयर मतलब अब आप सुनिए, देखिए आपको उदाहरण देते हैं, जब इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो ही टेक्स ड्यू केयर, इंजेक्शन लगाने के पहले सिरिंज को स्टरलाइज करता है या नई सिरिंज लेता है, उस इंजेक्शन की टेस्टिंग करता है तब लगाता है, तो ये ड्यू केयर हुआ। और लगाते समय
अगर वो मस्कुलर इंजेक्शन लगना है तो मसल्स में लगे, और अगर नस में लगना है ना किसी ब्लड वेसल में तो वो उसमें लगे, यहाँ पर उसको अटेंशन होना पड़ेगा। अब अटेंटिव नहीं है, केयर वेयर सब लेके भैया बैठे हैं, हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन हम अटेंटिव नहीं है उस समय, लगाते समय तो उस व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। ड्यू केयर एंड अटेंशन को ड्यू वर्ड से हमने दोनों को क्वालिफाई किया, और ड्यू वर्ड का मतलब है एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। ड्यू वर्ड को हम अगर कहें सामान्य भाषा में जो अभी तक लोग समझते थे पुरातन हिंदू लॉ में, धर्म, धर्म मीन्स कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कानून के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं, ये ड्यू केयर है। लेकिन एक्चुअल जब काम हम कर रहे हैं, केयर ले लिया तब कुछ हम केयर लेके चल रहे हैं घर से, लेकिन अटेंटिव नहीं रहेंगे तो गाड़ी लड़ जाएगी। यस सर, यस, हम घर से सारी गाड़ी चेकअप करके पंचर चेक कर रहे हैं, बट एवरी टाइम उस ड्राइव आपको तो कई सब बाइक चलाते हो, आप इस चीज को खुद मूल्यांकित करिए कि आप पूरी केयर से चलें, लेकिन ध्यान हटा दुर्घटना हुई, जैसे ही अटेंशन हटा दुर्घटना हो जाएगी, आप केयरफुल हैं सर। एक तो देखिए लॉ में कुछ शब्द सुन लीजिए, लॉ में कुछ शब्द एक्सप्लेनेटरी होते हैं, और वहां वो उस लॉ के दायरे को पूरा एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी कई शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, और हम उसको अगर वो शब्द ना हो तो हम मानते हैं कि ये जानबूझकर छोड़ा गया है या गलती से छूट गया। अगर ये ना लिखा होता अगर गुड फेथ ना लिखा होता तो भी गुड फेथ फॉलो करना ही होता, अदरवाइज इंटेंशन हो जाता आपका कि आपने इंटेंशन प्रॉपरली नहीं किया। हम तो प्रिकॉशन ले रहे हैं कि कहां कहां हम आपको छूट दे सकते हैं। अगर ड्यू केयर अटेंशन लेने के बाद भी दुर्घटना हो गई, डॉक्टर ने सब प्रिकॉशन ले लिया और इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति मर गया तो वो लायबल नहीं हो। यस सर, ओके सर। और सर, इंटेंशन और सर, सर इंटेंशन और मोटिव को सर दो शब्दों में जो है सर एक्सप्लेन कर दीजिए। मोटिव इंटेंशन मैंने बताया कि मोटिव इज द बिहाइंड रीजन, पूर्वाग्रह आपका, उस कार्य को करने के पीछे आपका हेतु, आपका उद्देश्य, आपका ऑब्जेक्ट, वो आपका मोटिव है। और जब आप कार्य को भौतिक रूप दे रहे हैं उस समय जो आपकी मनोदशा है वो आपका इंटेंशन है। इंटेंशन किसी को बिना पैसा दिए ब्रेड लेके भागने का है, आशय भूखे व्यक्ति को ब्रेड खिलाने का है, वो मोटिव है, बहुत अच्छा मोटिव है। बट इंटेंशन इज बैड, इंटेंशन इज गिल्टी इंटेंशन, क्योंकि आपने अपराध कर दिया। अपराध करने का इंटेंशन है, मोटिव बहुत अच्छा है, इसलिए मोटिव इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। आईपीसी में दंड निर्धारण के लिए इंटेंशन इज द डिसाइडिंग फैक्टर, और इंटेंशन तब आपका माना नहीं जाएगा, इंटेंशन आपका प्रॉपर था जब गुड फेथ ना हो। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन? यस सर। सर, इन टुडेज न्यूज Delhi High Court has rejected the plea of father of a victim of sodomy. Sir, is there any other type of crime which can be withdrawn from court? Withdrawn की acquittal, क्या बात आप करना चाहते हैं? Sir, withdrawn from court by the party of the victim. Sir, if the case is solved between the victim and the accused out of the courts, can they take back the crime? अब आपको बताएं, इसके लिए आपको सीआरपीसी में जाना पड़ेगा, है ना? सीआरपीसी में धारा 320 पढ़िएगा। Yes sir. 320 में एक हेडिंग है, हिंदी में बोले तो शमनीय अपराध, अंग्रेजी में बोले तो कंपाउंडेबल ऑफेंस। Yes sir. कंपाउंडेबल ऑफेंस मीन्स कि आप समझौता कर सकते हैं, और कंपाउंडेबल या शमनी जिस हम उसको इसलिए समझौता वर्ड यहाँ कंप्रोमाइज यूज नहीं करते, हम कंपाउंड करते हैं कि शमनी अपराध की डेफिनेशन, शमनी माने उसको तीन कैटेगरी में अपराधों को रखा गया है। कुछ को प्राइवेट पार्टी शमनी कर सकती है, कुछ को न्यायालय की परमिशन से किया जा सकता है, कुछ का समन सरकार के द्वारा किया जा सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ये 320 में आप देखेंगे तीन कैटेगरी थी,
इसके बाद एक और अमेंडमेंट आ गया सीआरपीसी में, एक चैप्टर जोड़ा गया है बार्गेनिंग का, प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग में तो सीधे सीधे समझौते को हम ले आए हैं, लेकिन कुछ सीमित दायरे में, सीमित अपराधों में। ये जब दोनों चैप्टर आप जब सीआरपीसी में पढ़ेंगे तो आपके इसका जवाब मिल जाएगा। ओके सर, आईपीसी में इसका जवाब नहीं मिलेगा। सर वन मोर क्वेश्चन, बोलो बोलो सर। आप सर यू सेड दैट कि वेयर देयर इज अ क्राइम, क्राइम वहां होता है जहां पे वो पनिशेबल हो प्लस इट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड देयर इज नो। सर अगर उस मुस्लिम लॉ में कोई ट्रिपल तलाक को अगर पनिशेबल भी किया है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी करा है, तो सर व्हाट इज इट, इट इज अ क्राइम और इट इज अ सिविल रॉन्ग? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। मुस्लिम लॉ जिसमें ये कहा गया है वो कानून है कि आपकी कुरान की प्रथा है? इज इट एन इनएक्टेड लॉ? यस सर, इट इज एन इनएक्टेड लॉ, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन मैरिज एक्ट 2019। ठीक, अब आप आ गई, ये कानून है बन गया, उसमें इस एक्ट को ऑफेंस डिक्लेयर किया है कि नहीं, ट्रिपल तलाक को? पहले लेक्चर में बताया था इंडियन पेनल कोड इज एग्जॉस्टिव लॉ। इसके अलावा भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ आप सबको कि आईपीसी अगर आप एक बार पूरा पढ़ ला ले, आप सोच नहीं सकते कि कोई अपराध इसके अलावा भी हो सकता है जो उसमें नहीं। अब आप कहेंगे कि नए नए अपराध सृजित हो रहे हैं, नए नए अपराध का सृजन हो रहा है इसलिए क्योंकि आईपीसी में उसका पूर्ण रूप से निराकरण संभव नहीं हो पाए। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आप पढ़ रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में भी आईपीसी में है, पॉल्यूशन के बारे में भी है ना, और ये जो क्रुएल्टी वर्ड है वो भी आपके आईपीसी में है। ऐसा भी हो सकता है कि आईपीसी के अलावा हम उसको एक नए कानून से विभिन्न अलग परिस्थितियों में दंड देने का प्रावधान कर दें। वो प्रावधान इसलिए प्रभावी हो जाएगा कि दैट इज ए स्पेशल लॉ, आईपीसी इज ए जनरल लॉ। अगर उस लॉ में उसको ऑफेंस कहा गया है, इसके मतलब कि उस ऑफेंस के लिए वो लॉ में दिए गए प्रावधान प्रभावी होंगे। और वहीं पर अगर प्रोसीजर भी दिया है तो सीआरपीसी के ऊपर वो प्रोविजन लगेंगे। तो सामान्य प्रक्रिया हम लोग आईपीसी सीआरपीसी में देखते हैं, लेकिन विशिष्ट प्रक्रिया आपको वो विशिष्ट कानून जो बनते हैं ऑफेंसेस, जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का नाम सुना होगा, डाउरी प्रोविजन एक्ट का नाम सुना होगा, ऑफेंसेस